हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रची यानी फूड डिलाइट। सर्दियों का टाइम हो और मिक्स वेज ना बने, इतनी सारी सब्जियां आजकल आती हैं, मिक्स वेज ना बने ऐसे हो ही नहीं सकता। तो मैं आज बना रही हूँ मिक्स वेज, जिसमें कि गोभी है, गाजर है, टमाटर, प्याज, मिर्ची, लहसुन, अदरक और बीन्स। इन सबको मैं अच्छे से धो करके, बारीक काट करके सब्जी को बहुत ही बढ़िया सब्जी बनाने वाली हूँ। तो मैंने सारी सब्जियां काट करके मैंने रेडी कर ली हैं। अभी बीन्स है, टमाटर है, गोभी के डंठल हैं, गोभी है, गाजर, ये तड़का है, और ये प्याज हो गया, ये मटर हो गई हैं। तो सर्दियों में अगर सब्जियां लेके आओ तो थोड़ी थोड़ी सब्जियां बची जाती हैं, तो इसको हम फिर मिक्स वेज बना देते हैं। गर्मियों में अगर सब्जियाँ बचे तो उसका सांभर बन जाता है। सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें कच्ची खाने का सरसों का ऑयल। मैं सरसों का तेल ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ सब्जियों में। इसके बाद मैंने ऐड करा इसमें जीरा। तेल गरम हो चुका है। इसके बाद मैंने अपना जो तड़का बनाती हूँ, मैं लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची का मैं ऐड कर दूँगी। ये भी थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो चुका है, इसलिए मैं ऐड कर दूँगी पसे दो मीडियम साइज प्याज। हम इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने देंगे, लाइट सा ब्राउन होने देंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे प्याज को, सब्जी हमें तो कड़वा फरमा जाता। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पसे हरी मटर। आजकल अब मटर बहुत ज़्यादा आ रही है, हमारे यहाँ बहुत अच्छी मटर मिल जाती है। साथ ही ऐड कर देंगे हम इसमें बीन्स की एडमिशन कर देती हूँ साथ में, क्योंकि बीन्स की थोड़ी देर में ये कुछ होंगे अच्छे से, मतलब क्योंकि मैंने गोभी को गर्म पानी में डाला था, तो गोभी 20% को गर्म पानी में पक जाती है ना। 30 से 40 सेकंड हम इसको पकाने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। इसमें मैंने डाला स्वाद अनुसार नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा अमचूर। अगर मसाले भुन जाते तो सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मैं इसमें गोभी के मैंने थोड़े से डंठल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं बड़े डंठल ऐसे काट देती हूँ, इनको मैं ही इनको खाती हूँ बिन करके। साथ में डालेंगे टमाटर, डालेंगे गाजर, एंड में डालेंगे हम इसमें गोभी। गोभी मैंने ऐड कर दिया है, तो हम सारी सब्जियों को मिक्स करके ये बन गई मेरी पंचमेह सब्जी। थोड़ी देर से ऐसे भून लेंगे डाले, उसके बाद ढक करके इसको हम अच्छे से पका लेंगे। सब्जी भुन गई है चाय से चुकी इसमें, अब मैं इसको ढक करके लो फ्लेम में पका लेंगे। लास्ट में डाल दूँगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला और ऊपर से धनिया। सब्जी बनके रेडी हो चुकी है, इसे आप रोटी, पूरी और पराठों के साथ में खा सकते हैं, और दाल चावल के साथ साइड में सूखी सब्जी भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनी है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।